हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्यूटी चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो उन सभी के लिए यूजफुल है जो बिगनर्स है, जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं, या तो सीखने की सोच रहे हैं, या तो जिसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख लिया है, या तो फिर जिनकी शादी होने वाली है, या तो फिर जिसकी सगाई होने वाली है। उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारे मेकअप के बीच का डिफरेंस। क्योंकि मेकअप के ये सारे नाम तो सभी ने सुने हैं कि नॉर्मल मेकअप, HD मेकअप, 3D मेकअप, एयरब्रश मेकअप, लेकिन इन सारे मेकअप में क्या फर्क है? अगर आपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख लिया है और आप ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए और आप उसको ये समझाना चाहे और आप उसे ये बोले कि देखिए हम ये सारे मेकअप क्रिएट करते हैं, और वो आपसे पूछेंगे कि ये सारे मेकअप में क्या फर्क है, तो आप उसको ये सारे मेकअप में फर्क कैसे बताएंगे? या तो फिर आपकी शादी है, या तो आपकी सगाई है, आप सोच रहे हैं कि मैं किस टाइप का मेकअप करवाऊं, कौन सा मेकअप अच्छा रहेगा, तो उसके लिए उन लोगों को भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दें। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नॉर्मल मेकअप की। तो नॉर्मल मेकअप किसे कहा जाता है? जिसमें हमें ना ही कॉन्टोरिंग करनी होती है, ना ही हाइलाइटिंग, ना ही हमें बेकिंग करनी होती है, जिसमें हमें सिर्फ बेस लगा के हमें फाउंडेशन अप्लाई करना होता है, जिसमें आईलाइनर यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज करते हैं, और कुछ ही प्रोडक्ट में हम जो मेकअप कम्प्लीट कर देते हैं ना, उसे हम बोलेंगे नॉर्मल मेकअप। ठीक है, अब हम बात करते हैं HD मेकअप किसे कहा जाता है। तो देखिए, पहले तो आप HD का फुल फॉर्म क्या है वो जान लीजिए। HD का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन। जैसे कि हम कोई नया TV खरीदते हैं तो हम कई बार सुना होगा कि हम बोलते हैं कि इसकी जो स्क्रीन है ना वो HD क्वालिटी की है, या तो कोई महंगा कैमरा खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं कि इसका जो कैमरा है ना वो एकदम HD क्वालिटी का है। HD क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि HD क्वालिटी में जो पिक्चर क्लिक होती है वो एकदम पूरी क्लीन और बारीकी से जो भी एकदम फाइन लाइन चल रही थी ना पूरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उस तरह से HD मेकअप में हमें क्या करना होता है कि जैसे कि आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि एक्ने है, पिंपल है, रेडनेस है, रिंकल्स है, फाइन लाइन्स है, वो सारी चीजों को HD मेकअप हाइड कर देता है, वो सारी चीजों को छुपा देता है और आपके सरफेस को एकदम एक क्लीन कर देता है, क्लीन हमें कवर देता है, उसे हम बोलेंगे HD मेकअप। और HD मेकअप में सारे प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो भी HD यूज होते हैं। जैसे कि अगर फाउंडेशन की बात करें तो इस टाइप के HD फाउंडेशन उसमें यूज होते हैं, सारी चीजें HD ही यूज होती है, उस फाउंडेशन पे ही लिखा होता है कि ये HD मेकअप के लिए है। उससे क्या होता है, आप उसे अप्लाई करते हैं ना तो आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम रहती है ना वो पूरी हाइड हो जाती है, आपकी स्किन को एकदम इवन टोन देता है। ये सारी चीज होती है HD मेकअप में। और HD मेकअप में मैट प्रोडक्ट्स का यूज होता है, जैसे कि मैट लिपस्टिक है, आईलाइनर, ये सारी चीजें रहती है ना मैट ही यूज होती है HD मेकअप में। और ज्यादातर HD मेकअप दिन में ही क्रिएट किया जाता है, क्योंकि उसमें एकदम ज्यादा भर भर के इतना हेवी मेकअप नहीं होता है और वो पूरा मेट लुक देता है, इसलिए ज्यादातर उसे दिन में ही क्रिएट किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई इतना फिक्स नहीं होता है कि ये मेकअप हमें डे में ही क्रिएट करना है, ये नाइट में ही क्रिएट करना है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ये मेकअप हम डे में क्रिएट करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा लुक देता है। ठीक है, अब बात करते हैं एयरब्रश मेकअप की। तो एयरब्रश मेकअप कैसे होता है? एयरब्रश मेकअप जो होता है ना वो एयरब्रश होता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, इस तरह का जो मशीन आता है ना उससे ये मेकअप किया जाता है। उसमें एक कैप आता है, वो कैप में हमें फाउंडेशन फिलअप करना होता है और उस ब्रश से हमें फाउंडेशन को अप्लाई करना होता है, उसे हाथों से हमें नहीं अप्लाई करना होता है, इस ब्रश से अप्लाई होता है। अगर आपकी स्किन में इतने पिंपल हैं, इतने रेडनेस है जो HD मेकअप से कवर नहीं होती है ना, वो सारी प्रॉब्लम एयरब्रश मेकअप से कवर होती है। या तो फिर किसी की स्किन ऐसी है ना कि उसकी स्किन पे कितना भी हेवी कोई भी मेकअप कर दो तो भी वो टिकता नहीं है, तो उसके ऊपर ये मेकअप किया जाता है एयरब्रश मेकअप। फेस की जो प्रॉब्लम HD मेकअप से कवर ना हो सके, वैसी प्रॉब्लम को हमें एयरब्रश मेकअप से कवर करनी होती है। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपरली ये यूज करना आता है तो ही आप एयरब्रश मेकअप का यूज करें, वरना मेकअप पूरा केकी भी हो सकता है, क्योंकि हम जो हाथों से एकदम अच्छे से ब्लेंड कर सके ना वो उस तरह से इसमें मेकअप को हम ब्लेंड नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये मेकअप करने से पहले अच्छे से ये एयरब्रश को चलाना आना चाहिए। ठीक है, और इस एयरब्रश मेकअप के भी सारे प्रोडक्ट्स अलग रहते हैं। इस तरह से होता है एयरब्रश मेकअप। अब हम बात करते हैं 3D मेकअप की।
तो पहले तो ये जान ले कि 3D का फुल फॉर्म क्या है। 3D का फुल फॉर्म है 3D। 3D का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम जो भी पिक्चर देख रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं ना स्क्रीन, तो उसे हमें हम किसी भी डायरेक्शन से देखें ना तो हमें सेम दिखाई दे, है ना। आजकल 3D क्वालिटी आपने सुना होगा, 3D मूवी, 3D पिक्चर, तो वो सब क्या होता है कि उसे आप किसी भी डायरेक्शन से देखें ना तो आपको वो सेम ही नजर आता है, उसको हम बोलेंगे 3D पिक्चर या तो 3D मूवी। तो उस तरह से ये मेकअप भी होता है 3D मेकअप, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपको कोई शेडो वाला पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया 2D, क्योंकि हमें उसके दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि वो हमने जो पिक्चर ड्रॉ किया है वो पिक्चर और उसका शेडो जो नजर आ रहा है वो हो गया 2D। लेकिन 3D में क्या होता है, आप 3 डायरेक्शन से देखें ना तो वो आपको सेम दिखाई देता है। तो 3D मेकअप में क्या होता है, 3D मेकअप किसे बोलते हैं, जिसमें हम कॉन्टोरिंग करते हैं, हाइलाइटिंग करते हैं, बेकिंग करते हैं, वो सारी चीजें अप्लाई करके फिर जो मेकअप किया जाता है ना उसे बोला जाता है 3D मेकअप। हम अपने फेस को 3 पार्ट में हम कट करते हैं ना, कॉन्टोरिंग करते हैं। अगर आप कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग नहीं जानते हैं ना तो उसके बारे में मैंने फुल डिटेल में वीडियो दिया है, आप वो देखें तो आप पूरा समझ जाएंगे किसे कॉन्टोरिंग बोला जाता है, किसे हाइलाइटिंग बोला जाता है और उसे किस तरह से क्रिएट करना होता है। तो देखिए, हम कॉन्टोरिंग अपने फेस में 3 पार्ट में डिवाइड करके करते हैं ना। जैसे कि हम पहले ये पार्ट में हमने यहाँ से कॉन्टोरिंग करते हैं, फिर हम ऐसे कॉन्टोरिंग करते हैं, फिर हम यहाँ जो लाइन पे कॉन्टोरिंग करते हैं और फिर हम यहाँ नोज ब्रिज पे कॉन्टोरिंग करते हैं। इस तरह से फेस के पार्ट करके जो हम 3 पार्ट में कॉन्टोरिंग करते हैं और फिर मेकअप करते हैं उसे हम बोलेंगे 3D मेकअप। और क्या होता है, कॉन्टोरिंग के बाद हम हाईलाइटिंग करते हैं ना। हाईलाइटिंग कहाँ कहाँ होती, यहाँ पे हमें हाईलाइटिंग करनी होती है, नोज ब्रिज पे, यहाँ पे इस तरह से हम जो हाईलाइटिंग करते हैं ना उससे क्या होता है, शादी ब्याह में जब कैमरा ऑन होता है ना, जो फोटोशूट होता है ना, तो वो जो लाइटिंग होती है ना वो डायरेक्टली उसी चीज को फोकस करती है जहां जहां हमने हाईलाइटिंग की है, जो हमने हाईलाइट किए है ना फेस पे वहां उसी को कैप्चर करती है। और जो हमने कॉन्टोर करके जिस जिस पार्ट को हाइड किया है ना वो उसमें नजर नहीं आता। इसलिए किसी का फेस अगर स्क्वेयर है, किसी का फेस अगर बहुत ही वाइड है, तो हमें कॉन्टोरिंग करके उसे ओवल फेस बनाना होता है। तो जिससे क्या होता है, लाइटनिंग में वो फेस एकदम ओवल दिखता है, जो पार्ट हमने हाइड कर दिए होते वो दिखाई नहीं देते हैं, और आप जिस डायरेक्शन में देखें तो आपको वो फेस ओवल नजर आएगा। तो इसे बोलते हैं 3D मेकअप, समझ में आया। और ज्यादातर इस मेकअप को नाइट में क्रिएट किया जाता है, क्योंकि इस मेकअप में हमें कई सारे प्रोडक्ट यूज करने होते हैं ना, कि हम जैसे कॉन्टोरिंग करते हैं, हाइलाइटिंग करते हैं, आई शेडोज भी यूज करते हैं, तो हम उसमें ग्लिटर आई शेडो, सिमर आई शेडो, उस तरह के आई शेडो हम लगाते हैं, तो वो जो लुक रहता है ना वो नाइट के फंक्शन में ज्यादा अच्छा लगता है। दिन के फंक्शन में भी आप वो लुक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ड्रामेटिक लुक हो जाएगा। इसलिए इस मेकअप को अगर आप नाइट के फंक्शन में, अगर नाइट में मैरिज है ना तो आप उसमें 3D मेकअप करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अगर दिन में मेकअप है तो आप मैट लुक में HD मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मेकअप में फर्क जानिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये 3D मेकअप के भी सब प्रोडक्ट्स अलग आते हैं, तो नहीं, उसके प्रोडक्ट्स अलग नहीं आते हैं। वो हम नॉर्मली जो फाउंडेशन वो सब यूज करते हैं ना, कंसीलर, वही यूज करना होता है। लेकिन हमें इस मेकअप को इस तरह से कॉन्टोरिंग, हाइलाइटिंग, बेकिंग सब करके हमें उसे क्रिएट करना होता है, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स अलग नहीं आते। HD मेकअप के और एयरब्रश मेकअप के प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो अलग रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो के बाद आपकी मेकअप के रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किसे नॉर्मल मेकअप बोलते हैं, HD मेकअप किसे बोलते हैं, किसे एयरब्रश मेकअप और किसे हम 3D मेकअप बोलते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है ना तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूर से कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।